हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो तो हम पढ़ रहे थे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य से निषेधात्मक वाक्य बनाना हम सीख रहे थे, जिसमें कि हम दो पार्ट कर चुके हैं। इसका ये लास्ट पार्ट होगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का। जो इम्पोर्टेंट रह गए दो तीन चीज़ें वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इस टॉपिक का ये थर्ड पार्ट है, ये लास्ट होगा। अब देखते हैं कि हम पढ़ेंगे एडवर्ब टू के थ्रू सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पहले क्या देखा था, टू को रिमूव कर रहे थे हम जब हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे। अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो अभी हम टू में चेंज करके बनाएंगे सेंटेंसेस का। जैसे जब था उसका अपोजिट होगा ये वाला, तो ये आपको याद भी होगा। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज सो पुअर दैट He cannot buy a watch. ये sentence क्या कह रहा है? He is so poor that he cannot buy a watch. वह इतना गरीब है कि वह घड़ी एक घड़ी भी नहीं खरीद सकता। इसमें किस किस का यूज़ हुआ है? देखिए, सो यूज़ हुआ है, दैट यूज़ हुआ है और कैन नॉट यूज़ हुआ है। ये मैंने आपको बताया था जब हम टू को रिमूव कर रहे थे कि ये तीनों यूज़ करने हैं। अब हमें ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं और क्या यूज़ करने को कहा गया है? टू का यूज़ करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको याद भी होगा, तो ईज़िली कर सकते हैं। ही इज़ too poor to buy a watch. इसमें so that और cannot जहां पर लगाए, हमने उसकी जगह क्या यूज किया? too poor, कि ही इज टू पुअर टू बाय अ वॉच। वह घड़ी खरीदने के लिए बहुत गरीब है। टू पुअर, इससे पुअर से पहले क्या लगाया? टू, यहाँ पर पुअर से पहले क्या लगा था? सो। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही इज सो क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक, दैट ही will see through your trick। ये कहता है ये वाला सेंटेंस, ही इज सो क्लेवर, वो बहुत चलाक है, कि ही विल सी थ्रू योर ट्रिक। वह इतना चलाक है कि वह आपके ट्रिक का मतलब उसके थ्रू देख लेगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, चेंज करती हूँ, तो कैसे होगा? ही इज, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको रिमूव करके टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक। He is too clever, ये क्या कह रहा है? He is too clever not to see through your trick। वह आपकी चाल को समझने में बहुत clever है, मतलब बहुत चालाक है।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो हमने पास उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें कोई इतनी नई बात नहीं है, इसको रिमूव करके टू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। टाइप थ्री में क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा होगा और नेगेटिव बनाना होगा, तो ये भी आपको पता ही है, अभी पढ़ाया था। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज द मून, ये कह रहा है वह चंद मतलब चांद के समान सुंदर है। उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, इसका मून से कंपैरिजन किया गया है सुंदरता में। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो कैसा बनेगा, द मून इज नॉट मोर ब्यूटिफुल देन शी। द मून, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाती है, बताया था, इज़ नॉट मोर ब्यूटिफुल देन शी, कंपेरिजन ही करके दिखाया है इसमें। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही इज टेलर वो सॉरी टॉलर देन आई, कि वो मुझसे ज़्यादा लंबा है। अगर मैं इसको कंपेरेटिव डिग्री वो सॉरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करके लिखती हूँ, या अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका नेगेटिव बनाती हूँ, तो कैसा आएगा, ये जो लास्ट वाला सब्जेक्ट था ये पहले आ जाएगा, आई एम वर्ब आ जाएगी, फिर नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बना रहे हैं, फिर सो टॉल एज ही। इसमें आपको याद होगा कि हम कैसे करते थे, रूल के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस डिग्री प्लस सब्जेक्ट नंबर वन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, मुंबई इज द बेस्ट प्लेस, क्या कह रहे हैं, मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेस, प्लेस रहने देते हैं, इतना अच्छा तो नहीं है, बेस्ट प्लेस सॉरी बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। ये तो खैर है कि मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट, मुंबई क्या है, बेस्ट सी पोर्ट है इंडिया में। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस में, ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, नॉर्मल सी बात, पॉजिटिव बात की गई है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई, भारत में कोई भी दूसरा सी पोर्ट मुंबई जितना अच्छा नहीं है। ये क्या कह रहा है, भारत में, ये क्या कह रहा है, भारत में कोई भी दूसरा, नो अदर सी पोर्ट मुंबई जितना अच्छा नहीं है। कहाँ पर, इंडिया की बात हो रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट होता है, इतना कुछ बचा नहीं था कि एडवर्ब ये उसका अपोजिट था, जब सो दैट हमें
दे रखा होता था तो हम क्या करते थे, इसको रिमूव करके टू लगाते थे, बट हमें अब ये दे रखा है, वो सॉरी टू दे रखा होता है, टू को रिमूव करके सो दैट लगाते थे। अब सो दैट दे रखा है, इसको रिमूव करके क्या लगाना है, एडवर्ब टू का ही यूज़ करना है। तो इसमें तो कोई परेशानी हुई नहीं थी कि टू का यूज़ करना है, इसको हटा के इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा था, फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन दे रखा था, इसमें क्या करना था, ये दे रखा था हमें सुपरलेटिव डिग्री नेगेटिव बनाना था, ही इज टॉलर कंपैरेटिव दे रखा था, इसे पॉजिटिव में बनाना था, और ये क्या है बेस्ट रिपोर्ट, ये हमें नॉर्मल सा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसमें क्या यूज़ करना था, नो अदर का यूज़ करना था, ये क्या बनाना था, पॉजिटिव डिग्री बनाना था इसको भी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए हैं सभी डिटेल्स, अभी हमारा कौन सा टॉपिक पूरा होता है, ये इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारा टॉपिक पूरा होता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, जब तक के लिए रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।